हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्किन ब्लॉगर और आज मैं आपको बताऊंगा स्किन केयर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया और नेचुरल टिप्स। सत श्री अकाल एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जसपाल सिंह एंड आई एम अ स्किन एक्सपर्ट। तो नेचुरल टिप नंबर वन, जब भी आप खीरा आंखों पे लगाते हैं तो उससे आंखों की सूजन और पफिनेस कम होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खीरा बल्कि आप खा लें तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, बिकॉज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स। मैं नहीं मानता। दूसरा, जब मुझे पिंपल्स हुआ था लाल, तब मैंने नारियल तेल लगाया था, तो उससे जो लालगी थी, उसकी जो रेडनेस थी, वो कम हो गई। बढ़िया चीज़ है। ऑयल एप्लीकेशन से आपकी स्किन ऑयली होगी एंड इट विल प्रोवोक द पिम्पल्स मोर, पिम्पल्स ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। तीसरा, ऑरेंज पील स्क्रब अगर आप लगाते हैं तो उससे डेफिनेटली आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोई होती है। नो, स्क्रबिंग मेक्स योर स्किन मोर वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल। वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाएंगे एंड इट कंटेन्स विटामिन सी इन क्रूड फॉर्म, सो समटाइम्स बर्निंग के चांसेस हो सकते हैं आपकी स्किन। मैंने तो हनी जो लोग लगाते हैं उनसे सुना है कि उनके जो स्कार्स हैं, जो यानी कि फेस के गड्ढे हैं, वो कम हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्कार्स डजन गो विद दी एप्लीकेशन और टॉपिकल एप्लीकेशन। मैं टोनिंग के लिए, फेस टोन के लिए रोज़ वाटर को एज अ टोनर की तरह यूज़ करता हूँ। नो, आई डोंट बिलीव इन टोनर, बिकॉज टोनर आई फील इज़ अ वेस्ट ऑफ स्किन। कुछ भी नहीं है। बेसन या हल्दी लगाने से डेफिनेटली हमारी स्किन बहुत ही ग्लो करती है और ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए दोस्तों। बट समटाइम्स बेसन या टर्मरिक एप्लीकेशन से पीपल कैन गेट कॉन्टैक्ट एलर्जी, कुछ भी। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी करें दोस्तों। एनी स्किन एडवाइस, प्लीज़ कंसल्ट अ स्किन डॉक्टर फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्किन।